इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा निविया के स्ट्रीट आर्ट बास्केटबॉल शूज और इनका डिटेल रिव्यू दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए स्नीकर रिव्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आगे भी ऐसे स्नीकर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट बना सकूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि निविया एक इंडियन स्पोर्ट्स वेयर और एक्सेसरीज ब्रांड है और मैं पहले भी इस ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू कर चुका हूं और ये हमेशा अफोर्डेबल बजट में बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ जो कि है निविया के ये बहुत कूल लुकिंग स्ट्रीट आर्ट बास्केटबॉल शूज। और मैं आपको इसके लुक्स, डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और प्राइस सबका एक डिटेल रिव्यू दूंगा। और उसके बाद अगर आपको ये शूज पसंद आते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके इनको चेकआउट और परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो ये शूज एक ब्लैक एंड येलो कलर के बॉक्स में आते हैं और इसमें ब्रांडिंग के लिए आपको निविया का लोगो दिया हुआ है और इसके ऊपर स्पोर्ट्स शूज लिखा हुआ है। अब लुक्स की बात करें तो इसमें एक कूल मल्टी कलर डिजाइन दिया हुआ है जो कि ऑब्वियसली स्ट्रीट आर्ट से इंस्पायर्ड है। और जैसे कि आपको वॉल्स में ग्रफिटी आर्ट देखने को मिलती है, इसका डिजाइन भी थोड़ा उसके जैसा ही है। इन पूरे शूज में आपको ब्लैक बेस कलर मिलता है क्योंकि इसका सोल और कुशन पूरा ऑल ब्लैक है। उसके अलावा इसके टो बैड और हील का कलर भी ब्लैक है। इसके साइड्स में आपको ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और येलो जैसे अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जिनसे इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना हुआ है जो कि काफी कूल और फंकी लुकिंग है। और इसके टंग में भी आपको सिमिलर मल्टी कलर्ड पैटर्न मिलता है जो कि इन शूज के लुक्स को और ज्यादा एनहांस करता है। टंग और शू के इंटरनल पार्ट में आपको पूरा येलो कलर मिलता है जो कि इनको एक वाइब्रेंट फील देता है। अब ब्रांडिंग की बात करें तो इसके एक साइड में आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर में स्ट्रीट आर्ट लिखा हुआ मिलता है जो कि काफी कूल फॉन्ट से लिखा हुआ है और उसके ऑपोजिट साइड में आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर में निविया का लोगो मिलता है। उसके अलावा इसके टंग के सेंटर में भी आपको व्हाइट स्ट्रिप में ब्लू कलर से निविया लिखा हुआ मिलता है। ओवरऑल अगर हम इन शूज के लुक्स और डिजाइन की बात करें तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग स्नीकर्स हैं और अगर आपको कोर्ट पे लाउड कलर्स पहनना पसंद है तो ये शूज आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। अब लुक्स के बाद बात करते हैं इन शूज के सोल और ट्रैक्शन पैटर्न की। तो इसमें पूरा ब्लैक कलर का हार्ड रबर आउटसोल दिया हुआ है जो कि फर्स्ट लुक एंड फील में काफी ड्यूरेबल लग रहा है। और इसमें आपको एक हेरिंग बोन ट्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में डीप ग्रूव्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपको खेलते टाइम बहुत अच्छी ग्रिप मिलेगी और बिल्कुल भी स्लिपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हो कि इसका ट्रैक्शन पैटर्न आगे टोस की ओर और पीछे हील की ओर दोनों ही साइड बेंड होता है, तो अगर आप क्विक डायरेक्शन चेंजेस भी करोगे उसमें भी आपको कोई स्लिपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके सोल के सेंटर में आपको एक टीपीयू शैंक भी मिलता है जो कि इनको और ज्यादा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बनाता है। इन शूज के हार्ड और ड्यूरेबल आउटसोल की वजह से आप इसको इंडोर वुडन कोर्ट्स में या फिर आउटडोर सीमेंटेड कोर्ट्स में सब में यूज कर सकते हो और ये आपको काफी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी देंगे। अब इन शूज के कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको अराउंड 1 इंच थिक डुओ फोम कंप्रेस सॉफ्ट मिडसोल मिलता है और ये खेलते टाइम आपके पैरों को बहुत कंफर्टेबल रखेगा और जंपिंग और रनिंग के टाइम भी काफी अच्छी बाउंस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इन शूज में एक्स्ट्रा बाउंस के लिए स्पोर्थो का फुट बाउंस परफॉर्मेंस इंसोल भी दिया हुआ है जो कि काफी थिक और सॉफ्ट है, तो आप लंबे टाइम तक भी इन शूज को पहन के खेलोगे तो आपके पैरों में ज्यादा सोरनेस नहीं होगी। तो इन शूज की कुशनिंग में आपको मिडसोल और इनसोल के कॉम्बिनेशन के साथ एक डबल लेयर प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि आपको काफी प्रीमियम फील देता है। अब बात करते हैं इन शूज के मटेरियल और ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके ऊपर आपको एक स्पेसर मेश अपर दिया हुआ है और उस अपर के ऊपर आपको एक टीपीयू फिल्म की कवरिंग भी दी हुई है जो कि इन शूज को ड्यूरेबल तो बनाती है लेकिन उसके साथ ही साथ एक स्मूद एंड प्रीमियम फील भी देती है। उसके अलावा इसके टंग और इनर में आपको एक सॉफ्ट और कुशन मटेरियल मिलता है जो कि आपके पैरों को हमेशा कंफर्टेबल रखेगा। इसमें आपको ब्लैक कलर के नायलॉन लेसेस मिलते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। और अगर आप इसके टंग के अंदर का टैग देखोगे तो इसमें आपको एक ISI मार्क मिलेगा जो कि प्रूव करता है कि ये काफी हाई क्वालिटी का है और इसमें आपको ज्यादा जल्दी कोई वेयर एंड टेयर नहीं मिलेगा। अब इन शूज की फिटिंग की बात करें तो मैंने इनका साइज 8 मंगाया जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट फिट है और मुझे इसमें खेलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें आपको एक हाई एंकल सपोर्ट मिलता है जो कि आपको एंकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करेगा और इसके हील में भी आपको एक मोल्डेड काउंटर मिलता है जिसकी वजह से आपका पैर शूज के अंदर ज्यादा हिलेगा नहीं और आपको इंजरी का रिस्क कम होगा। अब फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ये शूज निविया वेबसाइट और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे 3199 रुपीज में अवेलेबल है और सेल में इन शूज का प्राइस और कम भी हो सकता है। तो निविया स्ट्रीट आर्ट पे मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये एक अफोर्डेबल बजट में काफी हाई और प्रीमियम क्वालिटी के शूज हैं और मेरे हिसाब से निविया के अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट शूज हैं। और मुझे पर्सनली बास्केटबॉल शूज में ब्राइट कलर्स और लाउड डिजाइंस बहुत पसंद है, तो मेरे हिसाब से तो ये शूज एकदम परफेक्ट है और डेफिनेटली आप भी इसको खरीद के रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये था निविया स्ट्रीट आर्ट बास्केटबॉल शूज का एक डिटेल रिव्यू और अगर आपको ये शूज पसंद आए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाके इनको चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट बनाते रहूंगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।